जब भी सेलिब्रिटीज़ की लव लाइफ पर चर्चा की जाती है तो इस लिस्ट में टॉप पर नाम आता है गुजरे ज़माने की मशहूर जोड़ी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा। जी हां, 70 से 80 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री और दोनों की लव लाइफ के चर्चे इतने मशहूर थे कि सभी यही कहते थे कि दोनों ही शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा पूनम सिन्हा के साथ शादी के बंधन में बन गए और उनकी शादी के कुछ समय बाद रीना रॉय भी पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ घर बसा ली। ऐसे में देखा जाए तो दोनों की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी वायरल होते रहते हैं। बीते कुछ समय पहले ही रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में बतौर स्पेशल गेस्ट जज बनकर शिरकत किए थे। वहीं उस दौरान रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई राज भी खोले थे। ऐसे में देखा जाए तो दोनों की जिंदगी से जुड़े कई किस्से और भी ज्यादा वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए एक बार हम फिर से बात करेंगे रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की लव लाइफ से जुड़े एक और किस्से के बारे में। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा एक फिल्म में काम कर रहे थे और उसी फिल्म में रीना रॉय को लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम दिलवा दिया गया था और उस दौरान सुभाष घई डायरेक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे थे और उनकी निगाहें शत्रुघ्न सिन्हा पर टिकी हुई थी। दरअसल वह शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय शत्रुघ्न सिन्हा नेगेटिव रोल्स के लिए काफ़ी मशहूर थे। वहीं वह शत्रुघ्न के लिए वह रिस्क उठा लेने के लिए भी रजामंद थे। वह शत्रुघ्न सिन्हा को लीड रोल में लेना चाहते थे और ये फिल्म थी काली चरण। फिल्म में काम करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा राजी हो गए थे और फिर उन्हें हीरोइन की तलाश थी और उस दौरान बिना देर किए हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को सुभाष घई से मिलवा दिया और रीना रॉय को बतौर लीड एक्ट्रेस लिया गया। इसी बीच डायरेक्टर को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी थी। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा अपने दौर में सेट पर लेट आने के लिए काफ़ी फेमस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एडजस्ट कर लिया था। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हो गई और रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से होने लगे थे, लेकिन सुभाष घई ने एक और फिल्म बनाने का मन बना लिया था और ये फिल्म थी विश्वनाथ, जिसके लिए एक बार फिर से उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय को लिया। सुभाष घई को लगता था कि दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और निर्माता निर्देशक शत्रुघ्न सिन्हा की लेट आने की आदत से काफ़ी परेशान थे, लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ उन्हें देखने को मिली थी। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा जहां एक सेट पर लेट आया करते थे तो वहीं वह रीना रॉय के इतने दीवाने थे, उनसे इतना प्यार करते थे कि अपने काम धाम को छोड़कर वह सीधा रीना रॉय के मेकअप रूम में जाकर बैठ जाया करते थे और उनसे बातें करने लगते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के लेट आने की आदत से शूटिंग के सेट पर सभी मेकर्स परेशान होने लगे थे और सुभाष घई को उनकी आदत बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। ऐसे में फिर क्या था, पूरी यूनिट शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का इंतज़ार किया करते थे और मेकर्स काफ़ी नुकसान भी झेला करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा को उस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वह पॉपुलर स्टार्स में शुमार थे और सुभाष घई उस दौरान अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। और फिर क्या था, फिल्म बनी, रिलीज हुई और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इतना ही नहीं, डायरेक्टर सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक और फिल्म बनाई और ये फिल्म थी गौतम गोविंदा और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म गौतम गोविंदा भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित
हुई थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की लेट आदत से वह काफी परेशान हो चुके थे। वह इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने फैसला कर लिया शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दोबारा काम नहीं करने का। इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सभी काफी परेशान रहने लगे थे। इतना ही नहीं, बताना चाहेंगे आप सभी को, जब रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में रीना रॉय बतौर स्पेशल गेस्ट जज बनकर शिरकत की थी, उस दौरान रीना रॉय ने भी कई सवालों के जवाब दिए। रीना रॉय ने भी कई मजेदार किस्से शेयर किए थे। उन्हीं में से एक किस्सा यही था कि शत्रुघ्न सिन्हा सेट पर लेट आया करते थे। इस तरह से रीना रॉय ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ये बड़ा राज खोला। वेल दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो रीना रॉय अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। फिल्मी पर्दे से दूर रहकर रीना रॉय एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। मुंबई में ही अपनी बहन के साथ रहती हैं और एक एक्टिंग स्कूल चला रही हैं। इस तरह से रीना रॉय फिल्मी पर्दे से दूर रहकर अपना घर खर्च चला रही हैं। रीना रॉय को आखिरी बार फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था। साल 2000 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति में अपनी खास पहचान बना रखी है। इस तरह से दोनों ही स्टार्स अपनी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।